दरपेश आते हैं। और जाहिर सी बात है, किसी भी इबादत को तब तक हम मजबूती से और अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उस इबादत के ताल्लुक़ से मसाइल को ना जान लें, मतलब उस इबादत के कंप्लीट तकमील करने में जो मसाइल, जो इश्यूज़ होते हैं, अगर उसको हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको नहीं जानेंगे और उसको नहीं समझेंगे, तो उस इबादत में जो है जाहिर सी बात है जो जिसको कहेंगे चाशनी होना चाहिए, उस इबादत के करने में जो लज्जत और मज़ा आना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे एक मिसाल देता हूँ, चूँकि बात रमज़ान के ताल्लुक से है, कि समझ लीजिए आप में से किसी एक ने रोज़े की हालत में कुछ खा लिया, गलती से कुछ खा पी लिया। अब रोज़े की हालत में गलती से जब कुछ खा पी लिया तो अब आपको मसला नहीं पता कि इसका मसला क्या है, मतलब ये खाने से रोज़ा टूटता है नहीं टूटता है। नतीजतन आपने मामू से पूछा तो मामू ने बोले रोज़ा टूट गया, तो खाला ने बोले रोज़ा नहीं टूटा, चाची बोल रहे कि रोज़ा तोड़ दो, तो अब्बा बोल रहे कि रोज़ा नहीं टूटा, तो माँ चचा बोल रहे कि रोज़ा टूट गया, अब तुमको खाना ज़रूरी है लिहाजा मेरे सामने खाओ तुम बैठकर। और हर आदमी मशवरा दे रहा है, वो सुबह से शाम तक दिल में तलमल करता हुआ रखूँ नहीं रखूँ, फिर खा ले रहा है, फिर तौबा कर ले रहा है, फिर सोच रहा है क्या करूँ, मतलब वो पूरा दिन परेशान है। मसला क्या था, उसने रोज़े की अहमियत को जानता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन उसने उसके मसाइल नहीं सीखे कि रोज़ा कैसे रखा जाता है, तकमील कैसा होता है, अनजाने में खाने पीने से क्या होता है, जानबूझ के खाने पीने से क्या होता है, उसने नहीं जाना। नतीजतन वो पूरे रोज़े में परेशान है। लेकिन अब आपको रोज़े का मसला पता है, रोज़े के मसाइल पता है, रमज़ान के जो है जिसको हम कहेंगे सियाम के जो रोज़ों के जो फ़िक़ा है आपको उसका इल्म है, तो अब क्या होता है, आपने गलती से कुछ खा पी लिया, गलती से आपने कुछ खा पी लिया, आपको कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मुतमईन रहेंगे एकदम, और मुतमईन के साथ रोज़े को अपने कंटिन्यू करेंगे, याद रखिए रोज़े को कंटिन्यू करेंगे ना आगे बढ़ते चले जाएंगे। चूँकि आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया कि जो कोई रमज़ान के रोज़े की हालत में गलती से कुछ खा पी ले तो अल्लाह ने उसे खिलाया और अल्लाह ने उसे पिलाया, मामला हो गया, आगे बढ़ी, समझ रहे हैं आप बात को। तो मसाइल जानने से इबादतों में पुख्तगी, पुख्तगी समझते हैं आप, मजबूती, समझ रहे हैं आप, कि स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इंसान इबादत कर सकता है जब वो मसलों को जानता है, जब मसलों को नहीं जानता तो फिर। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।